नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अन अकेडमी में। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, भारतीय राजनीति में कई बार हमें ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलती है जो कि ये बताती है कि कई बार कैसे पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है, किस तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, या फिर उसके अलावा ये भी चीज बताती है कि कैसे भारत के संविधान के तहत सभी लोग यहाँ पर बराबर हैं, चाहे एक आम व्यक्ति हो या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, सभी लोग भारत के कानून के आगे बराबर हैं। ऐसा ही एक केस यहां पर निकल कर आया है जिसके अंदर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, इनको यहां पर हो सकता है शायद गिरफ्तार कर लिया जाए ईडी के द्वारा। और इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं, झारखंड की जो सरकार है और उनके जो मेंबर्स हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के मेंबर्स आरोप लगा रहे हैं कि ये एक तरह की राजनीति हो रही है जहां पर सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है झारखंड में। वहीं पर दूसरी तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई है वो कानून के तहत होनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों 30 घंटे से यहां पर हेमंत सोरेन गायब थे 30 घंटे से। दोस्तों, एक चीफ मिनिस्टर, किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक फिगर होता है, पब्लिक ऑफिशियल होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। वहां पर अगर वो प्रेजेंट रहते हैं अपने ऑफिस के अंदर, कहां पर है, कैसे नहीं है, उनकी जो एक्टिविटीज है वो सिक्योरिटी का भी कंसर्न होती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज पर उनके ऊपर कोई खतरा ना मंड रहा है, इस तरह की चीजों की वजह से उनके लोगों में नजर में रहना उनका जरूरी है। और अननोटिस तरीके से बिना किसी को इन्फॉर्म किए अगर गायब होते हैं इस तरह से, तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। और 30 घंटे से लगभग गायब होने के बाद हेमंत सोरेन वापस यहां पर देखे गए इन इमेजेस के साथ, और इन इमेजेस के साथ जब देखे गए उसके बाद इन्होंने बैठकर मीटिंग्स करी अपने जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं उन सब के साथ। और यहां पर दरअसल फिर उसके बाद मामला देखते हैं आखिर ये क्या है। दरअसल ईडी ने यहां पर इनको कहा कि ईडी का कहना था, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना था कि हेमंत सोरेन यहां पर 30 घंटे से गायब थे बिल्कुल बिना नोटिस के, ठीक है। और ये ऐसा क्यों ईडी कह रही है, दरअसल ईडी ने इनको कई बार समन जारी किए, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दिसंबर का है, लगभग 6 समन स्किप करे, अभी भी लगभग 7 से 8 समन स्किप यहां पर किए हुए हैं ईडी ने यहां पर कार्रवाई करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए जो समन भेजे थे उनके ऊपर जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया, उनको स्किप किया। और अभी यहां पर फ्रेश जब गायब थे हेमंत सोरेन 30 घंटे के लिए, तब ईडी ने उस समय मंडे को, यानी कि कल ही यहां पर ईडी ने इनके दफ्तर पर दिल्ली में, जो इनका ऑफिशियल ऑफिस है, ठीक है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है दिल्ली में, वहां पर इनके ऊपर छापेमारी यहां पर करी, जहां पर करीब 36 लाख कैश में बरामद हुआ है और बीएमडब्ल्यू भी यहां पर सीज की है ईडी ने, ठीक है। तो जब हेमंत सोरेन गायब थे 30 घंटे से, तब मंडे को यहां पर ईडी ने ऑलरेडी यहां पर कुछ रेड करी और चीजें बरामद की, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं जो 36 लाख रुपए जो कैश बरामद हुआ है ये करप्शन से यहां पर आया है, ठीक है, ये जो कैश यहां पर रखा हुआ है। उसके अलावा यहां पर इससे पहले भी 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है, लगभग 7 घंटे ये पूछताछ चली है। और यहां पर जो पूछताछ हुई है, आखिर आपको पता होना चाहिए कि मामला क्या है, ठीक है, क्यों पूछताछ यहां पर हो रही है। दरअसल यहां पर आरोप लगाया गया है कि जो जमीन, ट्राइबल जमीन है, उसको नकली दस्तावेज, नकली कानून बनाकर हेमंत सोरेन के द्वारा यहां पर माफिया को दिए गए हैं और बहुत सस्ते में, यानी कि जमीन की ओनरशिप चेंज की गई है, फॉर्ज तरीके से नकली जमीन के जो मालिक हैं वो पैदा किए गए नकली कागजातों की मदद से। और इस पूरे मामले में अभी तक 14 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके अंदर 2011 के एक आईएएस ऑफिसर भी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2011 बैच के, जिनका नाम है छवि रंजन, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर कई सारा पैसा जो है इन नकली दस्तावेजों के द्वारा कमाया गया है भूमि को अधिग्रहण करने में, ठीक है, यानी कि लैंड एक्विजिशन के नाम पर कई सारा पैसा भी यहां पर फर्जी दस्तावेजों के द्वारा कमाया गया है। और यही सब बात यहां पर निकलकर सामने आई है, इन्हीं सब मामलों की वजह से हेमंत सोरेन के ईडी समन कर रही है और गिरफ्तार करने के चांसेस हो सकता है बन जाए। अब उनको ईडी ने यह कहा है कि आप 30 या 31 तारीख को कभी भी आकर अपनी सुनवाई यहां पर ईडी के सामने खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब कल यानी कि 31 तारीख को हेमंत सोरेन ईडी के सामने प्रेजेंट होंगे, अपना केस रखेंगे, उनसे पूछताछ यहां पर होगी। और अब देखते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन अब अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है यहां पर ईडी उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। तो ऐसे में यहां पर एक सवाल उठता है, क्या किसी चीफ मिनिस्टर को, क्या किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? यहां सवाल उठता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? तो अगर भारतीय संविधान को देखेंगे तो यहां पर इंडियन जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर,
यानी कि किसी राज्य के राज प्रमुख और भारत के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, उनको ही यहां पर ये इम्यूनिटी मिली हुई है कि जब तक वो ऑफिस में बने रहेंगे तब तक उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई, क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत प्रोसीडिंग्स नहीं चालू की जा सकती हैं। और उसके अलावा सिविल मैटर्स में भी इनके ऊपर किसी प्रकार की प्रोसीडिंग्स जारी नहीं होंगी। बस एक एक्सेप्शन आपको मिलेगी कि सिविल मैटर्स में 2 महीने का एडवांस नोटिस प्रेसिडेंट को देना होता है, उसके बाद ही आप सिविल मैटर्स में प्रोसीडिंग्स जारी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, ट्रायल शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें क्रिमिनल केस में, तो क्रिमिनल केस में गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, जब तक ऑफिस में बने हुए हैं इनके खिलाफ आप क्रिमिनल मैटर्स में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर ये इस प्रकार की इम्यूनिटी आपको प्राइम मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट देखने को नहीं मिलेगी, जो कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की एक खूबी है, एक खूबसूरती है कि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं उनको यहां पर इम्यूनिटी नहीं मिली है। और भारतीय संविधान की नजर में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कानून के तहत। तो ऐसे में यहां पर एक एग्जांपल हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है, जब चीफ मिनिस्टर जयललिता जो है उनका अरेस्ट हुआ था, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जयललिता का अरेस्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। जब चीफ मिनिस्टर जयललिता का अरेस्ट हुआ तब ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, ठीक है। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाए, जैसे अगर हेमंत सोरेन को अरेस्ट करने के यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि उनको रिजाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या वहां पर अगर हेमंत सोरेन रिजाइन कर देते हैं तो क्या झारखंड के अंदर सरकार गिर सकती है? दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जो वाइफ है वो हो सकता है उनके आगे उनके बाद वहां पर चीफ मिनिस्टर बन जाए, अगर इन केस हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं, जैसे लालू यादव के केस में हमने देखा था, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहते हुए गिरफ्तार हो जाता है तो उसको रिजाइन ही करना पड़ता है, या जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है, या फिर क्या सरकार ही गिर जाती है, सरकार ही पलट जाती है? तो यहां पर अगर इस बात को देखें तो यहां पर कहा जाता है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर है, जरूरी ये कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से उसको रिजाइन करना होगा। हालांकि यहां पर अगर आप जेल में चीफ मिनिस्टर रहेंगे और सरकार उनके नाम पर चलती रहेगी राज्य के अंदर, तो काफी लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज आती हैं। लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज मतलब भाई चीफ मिनिस्टर के नाम पर ही सारे, चीफ मिनिस्टर के नाम पर कुछ काम होंगे, उनके साइन कहीं पर होंगे, उनसे किसी की मीटिंग होगी, तो ये सारी समस्या आएंगी, चीफ मिनिस्टर के ये सब काम होते हैं, तो ये लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज यहां पर देखने को मिलती है। एक चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर की पोजिशन से तभी डिस्क्वालीफाई होती है जब उनके ऊपर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, यानी कि कन्विक्शन हो जाता है ट्रायल के दौरान। अगर आपके ऊपर सिर्फ ट्रायल चल रहा है, आपका जुर्म जो है वो सिद्ध नहीं हुआ, तब तक यहां पर आपको रिजाइन करना हो, ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। हाँ, लेकिन अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए तब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर 3 साल तक चीफ मिनिस्टर रही थी उस समय जयललिता, 3 साल के टर्म के बाद उन्होंने फिर उनको सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में रिजाइन करना पड़ा, जब डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में यहां पर गिरफ्तारी हुई थी जयललिता की, ठीक है। और यहां पर क्योंकि ये सारी बातें चल रही है कि भाई हो सकता है ये कोशिश की जा रही हो हेमंत सोरेन की जो सरकार है उनके ऊपर दबाव बना के ईडी के थ्रू, जैसे आरोप कई बार लगाए जाते हैं सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर कि ईडी और सीबीआई जो है रूलिंग जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उनके अंडर काम करती है, और चीफ मिनिस्टर जो है अलग राज्य को उनको परेशान करती है और सरकार गिराने की बदलने की कोशिश की जाती है दबाव बनाकर, पॉलिटिकल ये जो सारे आरोप लगते रहते हैं, ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ एक समस्या का विषय ये है, दूसरी तरफ समस्या का विषय ये भी है कि भाई ये जो आरोप लगते हैं इनमें कहीं ना कहीं फिर उसके ऊपर शक होता है जब ये देखते हैं कि पिछले तीन साल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने, क्योंकि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, तो कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन जैसे कुछ चार्जेस होते हैं तो ईडी वहां पर जाके कार्रवाई करती है, ये सेंट्रल एजेंसी है। ईडी ने 3000 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं पिछले 3 साल में, लेकिन सिर्फ 31 केसों में ही ट्रायल कंप्लीट हुआ है, सुनवाई 31 केसों में कंप्लीट हुई है सिर्फ, और 3000 पिछले 3 साल में केसेस दायर हुए हैं। अगर आप यहां पर देखें पिछले 10 साल में 2012 से अगर आप देखें 2022-23 तक हर साल सैकड़ों केसेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा जारी होते हैं, दायर होते हैं इसी के अंदर, और 2019 के बाद से तो ईडी जितने केस दर्ज करती है उसमें बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर पामला के अंदर जितने केसेस रजिस्टर हुए हैं बहुत कम में ही ट्रायल कंप्लीट होता है, तो ऐसे में ऐसे आरोपों की तरफ इशारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी है कि अगर
कुछ गलत नहीं किया है, हेमंत सोरेन ने कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, तो उनको पूरी इस ट्रायल के अंदर, पूरी सुनवाई के दौरान कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के पैसे जाते हैं टैक्स के थ्रू, और ऐसे में अगर करप्शन होता है तो यहां पर कार्रवाई सख्त से सख्त फिर जरूर होनी चाहिए। दोस्तों आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है, जो भी दोस्त एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं सिर्फ और अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रांग करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करें ना करें यह भी डिसीजन अगर आपको लेना है, तो आप एनसीईआरटी पढ़कर अगर देखना चाहते हैं कि क्या यूपीएससी में चीजें होती हैं, तो बेसिक्स भी आपके स्ट्रांग होंगे और आपको डिसीजन भी पता लग जाएगा यूपीएससी की तैयारी करने ना करने का। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने, फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगी अगर तैयारी करनी ही है, और उसके अलावा आपको आगे का भी पता चलेगा, क्योंकि हम यहां पर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं इस फाउंडेशन बैच में। ये स्पेशल एक कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, छठी से बारहवीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी, बहुत डिटेल में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यहां पर इनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और हिस्ट्री आप इसमें मेरे साथ पढ़ते हैं, यहां पर हिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ते हैं, बस आपको कोड लगाना होगा SMK Live, ठीक है। बाकी टीचर्स भी आपको सारे सब्जेक्ट यहां पढ़ाएंगे, आपको कोड लगाना होगा SMK Live अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री और बाकी एनसीईआरटी छठी से बारहवीं तक पढ़ना चाहते हैं। साथ ही में यहां पर आप प्लस कोर्स में मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ी सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। स्पेशल क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जिसके अंदर 2024 का जो एग्जाम है यूपीएससी का, इसके लिए हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं हिस्ट्री का, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री हम यहां पर कर रहे हैं। आपको बस कोड लगाना होगा SMK Live अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं। अनअकैडमी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में कई सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि आपको प्रीलिम्स के कोर्सेज का, मेंस के कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, सीसेट कोर्स जो आपको अलग से लेना होता है अनअकैडमी में आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलता है। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने होते हैं, बस आपको कोड लगाना होगा SMK Live अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा 50% डिस्काउंट यहां पर चल रहा है 2025 के कोर्सेज, 2026 और 27 के कोर्सेज पर। 6 महीने तक आपको एक्सटेंशन भी मिलता है कोर्सेज पे, आपके कोर्सेज की वैलिडिटी यहां पर एक्सटेंड होगी, 6 महीने एक्स्ट्रा आपका कोर्स चलेगा सभी 25, 26, 27। आपको बस कोड लगाना होगा SMK Live, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर यहां पर बात करें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नए अनअकैडमी द्वारा एक नया इनिशिएटिव, जिन भी दोस्तों को समस्या रहती है बाइलिंगुअल कोर्सेज के अंदर कि भाई हिंदी हमें ठीक से समझ नहीं आती, तो उनके लिए भी यहां पर कंप्लीट ऑल इंग्लिश बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सरमद महराज और बाकी जो रेप्यूटेड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्लीट इंग्लिश में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा, कंटेंट इंग्लिश रहेगा, यहां पर आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है, बेसिक से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2025 के लिए बस आपको कोड लगाना होगा SMK Live अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा SMK Live कोड लगाने पर। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी समस्या होती है ऑप्शनल आखिर कैसे चूज करें, और बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है ऑप्शनल को चूज करना। इसी के लिए यहां पर सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सभी ऑप्शनल्स का एक्सेस दिया गया है, ताकि आप ऑप्शनल्स को चेक करके ये डिसीजन ले सकें कौन सा ऑप्शनल आपके लिए फिट है, किसके साथ आपको जाना है। कोड आपको लगाना होगा SMK Live, ठीक है। चलिए तो ये था दोस्तों पूरी वीडियो, मेरे ख्याल से आपको पूरा मैटर समझ आया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।